हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 9 मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 28, जो आपकी 7 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, इसके अंदर हम पढ़ने वाले कॉन्ग्रेंसी के बारे में। हमने पहले कुछ रूल्स किए थे, एक ए ए ए वाला किया था, ठीक है, एक एस 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 वाला किया था और एक एस ए एस वाला किया था। तीन रूल्स किए थे ना कॉन्ग्रेंसी के, उसी का आगे जो है वो पार्ट की है कॉन्ग्रेंसी। तो हमें ये पता है कि रिकॉग्निशन ऑफ, हमें ये पता है कि ट्रायंगल जो है उसके तीन साइड्स होती हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हमें पता है इतने तक, ठीक है, ये रूल्स हमें पता है। जब तीन कोण जो है, तीनों कोण किस, कोई भी दो आपको त्रिभुज दिए हैं, ट्रायंगल दिए हैं, अगर उनके तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। अगर उनकी तीनों साइड, दो त्रिभुज की तीनों साइड, यानी कि पहले की साइड, तीन साइड जो वो दूसरे की तीनों साइड के बराबर होंगी तो वो कॉन्ग्रेंट है। या ये हो सकता है कि पहले की दो साइड और एक एंगल दूसरे की दो साइड और एक एंगल के बराबर है तो वो कॉन्ग्रेंट होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो क्या होता है, आपको 200 रुपये के नोट मैं दे दूँ, ठीक है, 200 रुपये के नोट अगर दे दें, या सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने हाथों को ऐसे नमस्ते जब करते हैं, ठीक है, हाथ जोड़ते हैं असेंबली के अंदर भगवान के आगे, जब भी हाथ जोड़ते हैं वैसे जोड़ के देखना, आपको ऐसे आपका एक हाथ दूसरे हाथ को पूरी तरह से ढक लेगा। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी आकृतियाँ जो एक दूसरे को पूरी पूरी ढक लेती हैं, यानी कि नीचे ऊपर से उनका कोई भी भाग नहीं दिखता, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स। ओके, जैसे आपके दोनों हाथ हैं वो कॉन्ग्रेंट फिगर है। उसके अलावा आपको 200 रुपये के नोट्स दे दिए जाते हैं, 10 रुपये के नोट दे दिए जाते हैं, तो एक 10 रुपये के नोट के ऊपर आप दूसरा 10 रुपये का नोट रखो, दोनों की लेंथ बराबर होगी, दोनों की ब्रेथ बराबर होगी, ठीक है, एक के ऊपर दूसरा। जब आपके पास गड्डियाँ नहीं आती नोट की, यानी कि 10,000 की मान लो, 10 10 रुपये के 10,000 हमारे पास नोट है, तो एक दूसरे के ऊपर जब रखोगे ना वो एक जैसे ही होते हैं, ना लंबे चौड़े कोई फ़र्क नहीं होता। वैसे ही 100 रुपये के ले लो तो भी बराबर होंगे, पर एक 10 का और एक 100 का लोगे ना तो वो बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब वो दोनों कॉन्ग्रेंट फिगर्स में नहीं आते, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारे पास, ब्रेन टीजर है कि आपने कुछ ऐसी फिगर्स बतानी है, ऐसी जो आपके आसपास हो सकती हैं कुछ चीज़ें या कुछ मैथ्स की फिगर जो कॉन्ग्रेंट होती हैं, ठीक है, तो आपके दोनों हाथ कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा एक बाइसाइकिल है, उसके दोनों व्हील्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, एक डिब्बे के अंदर जो सिगरेट्स आती हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, एक मैच बॉक्स के अंदर जो तिल्लियाँ होती हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा सेम रेडियस वाले जो सर्कल होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे, सेम साइड वाले दो स्क्वायर होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में देखो कि कॉन्ग्रेंसी हम कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स दिए हैं, दैट इज डी ई एफ और ए बी सी। अब यहाँ पे देखो, 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर, दिस इज 6.5, दिस इज 6.5, ये 4.5, ये 4.5 दिया हुआ है, ये एंगल 48 डिग्री, ये 48, 80 80, 52 52। तो यहाँ पे क्या है, तीनों लाइन बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है कि जब हम कॉन्ग्रेंसी की बात करते हैं ना, एक सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि या तो तीनों जो है वो एंगल बराबर हो जाए, साइड बराबर है या नहीं वो हमें मतलब नहीं है, ठीक है, या दो साइड एक एंगल बराबर हो जाए, बाकी दोनों एंगल अलग अलग हो, हमें कोई मतलब नहीं है। बट कॉन्ग्रेंसी में क्या होगा, साइड भी बराबर होगी, एंगल भी बराबर होंगे। तो कॉन्ग्रेंसी में आपके तीनों के तीनों एंगल भी बराबर है, यहां पे देखो, और तीनों की तीनों साइड भी बराबर हैं। तो कॉन्ग्रेंसी के मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा। आप अपनी फोटो देखो शीशे के अंदर, बिल्कुल आपके जैसी दिखाई देगी तो आप और आपकी फोटो कॉन्ग्रेंट हैं। सिमिलर होने का मतलब अलग होता है कि कोई तीन साइड बराबर हो जाए, एंगल अलग अलग हो जाए, ठीक है, कोई तीन एंगल बराबर हो जाए, साइड्स की जो लेंथ है वो अलग अलग हो जाए, या दो साइड बराबर हो जाए, एक एंगल बराबर हो जाए, बाकी कुछ डिफरेंट हो जाए, बट कॉन्ग्रेंसी के अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट है डी ई एफ के, क्योंकि यहाँ पे ये तीन साइड ए बी इज इक्वल टू डी ई है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ है, एंड ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ है, तो इनकी जो लेंथ है वो बराबर है, ठीक है। और एस ए एस कॉन्ग्रेंसी कंडीशन से हमें ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। सिमिलरली एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, तो यहां पे ट्रिपल ए रूल लगेगा, और बाय ट्रिपल ए रूल हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है।
इन शॉर्ट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को हम बोलते हैं CPCT, सी से कॉरेस्पॉन्डिंग, पी से पार्ट, सी से कॉन्ग्रेंट और टी से ट्रायंगल, इसको बोलते हैं CPCT। उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम ट्राई कर लेते हैं। बेसिकली आपको बताना है कि ये दोनों फिगर्स जो आपको दी हैं ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने कि कौन किसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखो एक्स 50 है, एक एंगल 50 ये रहा, ये 110, इधर 110, इधर 20, इधर 20, एक 4 सेंटीमीटर इधर है, एक 4 सेंटीमीटर इधर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 9 9, तो सेम बन रही है, दैट मीन्स के कॉन्ग्रेंट होंगे। अब कौन किसके बराबर होगा उसके लिए चलते हैं इसके सॉल्यूशंस के ऊपर। बात बच्चे, क्वेश्चन पहला जो आपको फर्स्ट ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, राइडल के अंदर जो पहेली के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर्स और थिंग्स अराउंड अस, आपने एग्जांपल्स देनी है, या तो फिगर्स बता दो या आपके आसपास की चीज़ें बता दो, तो हम दोनों ही लेके चलते हैं। पहला है सिगरेट्स इन ए पैकेट, एक पैकेट के अंदर जो सिगरेट आते हैं वो एक जैसी होती हैं। नेक्स्ट ऑफ व्हील्स ऑफ ए बाईसाइकिल, व्हील्स जो होते हैं बाईसाइकिल के वो, पेजेस ऑफ ए पर्टिकुलर बुक, यहाँ पे पेजेस लिख लेना बेटा, यहाँ पे पेज जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, पेजेस ऑफ ए पर्टिकुलर बुक, एक बुक जो होती है उसके सारे पेजेस जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, दो सर्कल जिनका रेडियस इक्वल है, और टू स्क्वेयर्स विद इक्वल साइड्स, वो स्क्वेयर्स जिनके इक्वल साइड्स जो है होते हैं, दो स्क्वेयर्स जिनके साइड इक्वल है, तो यहाँ पे पेजेस ऑफ ए पर्टिकुलर बुक कर लेना। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द सेकेंड, हमारा जो क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन, आर द ट्रायंगल्स गिवन बिलो कॉन्ग्रेंट, इफ येस कैन यू राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दीज कॉन्ग्रेंट, येस द ट्रायंगल्स गिवन इन द फिगर आर कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है LZ, XZ पैरेलल टू इक्वल टू LN, XY पैरेलल इक्वल टू LM और YZ जो है इक्वल टू है हमारा MN के, ठीक है। उसके बाद में है ये होगी हमारे पास जो ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी कंडीशन होती है उसके थ्रू भी ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट है। उसके बाद एंगल X जो है वो L के बराबर है, एंगल Y इज इक्वल टू M एंड एंगल Z इज इक्वल टू N, सो बाय ट्रिपल ए कॉन्ग्रेंसी भी ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रायंगल XYZ, यहाँ से कॉन्ग्रेंसी का साइन लगा लेना, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है, जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं XYZ कॉन्ग्रेंट, ऊपर ऐसा निशान आता है, ठीक है, टू ट्रायंगल LMN, ये लिखा नहीं जाता मोबाइल के अंदर, तो आप यहाँ पे इसका साइन जो है वो लगा ले, ठीक है। ओके, सो ये होगी हमारी वर्कशीट के सॉल्यूशंस, वर्कशीट नंबर 28 के। ओके।